नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आप लोगों की फरमाइशें बहुत सारी आती हैं और मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश रहती है कि आपकी हर फरमाइश को पूरा करें। जिन लोगों की फरमाइश मैं पूरी नहीं कर पाता हूँ, उन सभी लोग से मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं अगले एपिसोड में या अगले जो है वीडियो में आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी कर दूंगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी उंगली में कौन सा रत्न पहने, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, रेड कलर का बटन उसे दबा के आप सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बैल उसे भी दबाएँ ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। कौन सा रत्न कौन सी उंगली में पहनना है, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ दोस्तों, सबसे पहले बताता हूँ आपको, सूर्य का रत्न माणिक्य। हम सभी जानते हैं सूर्य जो है उसका जो रत्न है वो माणिक्य है। सूर्य का रत्न माणिक्य सफलता प्रदान करता है। माणिक्य रत्न की तीन रत्ती की धारा, जी हाँ दोस्तों, तीन रत्ती आपको जो है बाज़ार से लाना है, तीन रत्ती से कम ना हो। तीन रत्ती जो हो उसे धारण करना है, सबसे उत्तम माना जाता है। इस रत्न को सोने की अंगूठी में, अनामिका उंगली में रविवार के दिन पुष्य योग में धारण करना सबसे लाभकारी माना जाता है। तो तीन रत्ती का होना चाहिए और रविवार के दिन पुष्य योग में धारण करना चाहिए। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी ये अंगूठी है इसको आप दूध दूध में भिगो भिगो के ना रखें और ना ही इसको जो स्वच्छ जल से आप इसे धो लें, अच्छे से साफ पानी से धो लें और कोई भी चीज़ ना इसको इस्तेमाल करें। और इसके बाद इसे जो है आप चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो इष्ट देवता है या जिसको भी आप मानते हैं उन्हें स्पर्श करा के आप पहन लें। तो ये है माणिक्य, माणिक्य को पहनना है और माणिक्य को पहनिए आप, जैसे मैंने आपको बताया। इसके अलावा है चंद्रमा का रत्न मोती। जी दोस्तों, चंद्रमा का रत्न मोती मन को संतुलित प्रदान करता है। मोती रत्न को दो चार या छः रत्ती की चांदी की अंगूठी में शुक्ल पक्ष सोमवार में रोहिणी नक्षत्र में धारण करना चाहिए, इसका सबसे अधिक लाभ मिलता है। यहाँ दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा, चंद्रमा का रत्न मोती है और मोती रत्न को दो चार और छः रत्ती होनी चाहिए, या तो दो रत्ती का होना चाहिए, चार रत्ती का होना चाहिए, या छः रत्ती का होना चाहिए, चांदू की अंगूठी में होना चाहिए। इसके अलावा शुक्ल पक्ष सोमवार में, सोमवार को रोहिणी नक्षत्र में धारण करना है। और आपको फिर मैं आपको वही तरीका आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है इसको जो है किसी दूध दूध में ना भिगाएं, स्वच्छ पानी से धोएं अच्छी से और नहा के जो भी है जब भी धारण करना नहा के एकदम स्वच्छ रहें उस समय इसको धारण करें और चाहे तो अपने इष्ट देवता को ये जिसे आप मानते हैं उसे आप स्पर्श करा के पहन सकते हैं। तो ये था जो है चंद्रमा का रत्न मोती। दोस्तों, अगला रत्न है मंगल। मंगल का रत्न होता है मूंगा। मूंगा, जी हाँ दोस्तों, मंगल का रत्न मूंगा जो है वो पांच रत्ती का होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पांच रत्ती का होना चाहिए और सोने की अंगूठी में जड़ा हुआ होना चाहिए। मंगलवार को अनुराधा नक्षत्र में सूर्योदय से एक घंटे बाद पहनना है। जी हाँ दोस्तों, मंगलवार को अनुराधा नक्षत्र में सूर्योदय के एक घंटे बाद पहनना है। ये रत्न महिलाओं के लिए काफ़ी लाभकारी होता है, तो जो महिलाएं हैं वो जो है मूंगे रत्न का इस्तेमाल करें, काफ़ी लाभ होगा। तो आप सभी जानते हैं मूंगा रत्न, वैसे तो जो है मूंगा जो है वो पानी में अंदर चट्टानों में पाया जाता है, लेकिन इसको पाँच रत्ती के बराबर आपको पहनना, पाँच रत्ती है उतना ही आपको चाहिए और सोने की अंगूठी में पहनना है आपको।
मंगलवार को पहनना है, अनुराधा नक्षत्र में पहनना है, सूर्योदय से एक घंटे बाद पहनना है चाहिए आपको। और पूजा पाठ आपको कैसे करने है वो मैं आपको बता देता हूँ। सादे पानी से आपको धोना है, सादे पानी से दो, कोई दूध दूध में कोई सब लोग बोलते हैं दूध में भिगा दो, इसमें भिगा दो, ये करो वो करो, वो सब नहीं। आप सिंपली आप लाए हैं अंगूठी बना के, तो आप जो है इसे जो है पानी स्वच्छ जल से धो के, इस नहा वहा के जो भी है आप इसको जो है अपने जो भी जिसको भी आप मानते हैं उसको आप जो स्पर्श कराएं और पहन लें। तो ये था मंगल का रत्न मूंगा। अब बुध का रत्न जो होता है वो है पन्ना। जी हाँ दोस्तों, पन्ना होता है वो बुध का रत्न है। बुध का रत्न पन्ना जो है कम से कम 6 रत्ती का होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सब जो है कम से कम 6 रत्ती का होना चाहिए। इस रत्न को सबसे छोटी उंगली में प्लेटिनम या सोने की अंगूठी में धारण करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जितना भी जो है सोने की अंगूठी में आप इसे धारण करें 6 रत्ती का होना चाहिए, और सबसे छोटी उंगली में आपको धारण करना है। फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा किस तरह से इसको धारण करना है। आप इसको जो है स्वच्छ जल से धो लीजिए। स्वच्छ जल से धोने के बाद आप जो है अपने इष्ट देवता को जो है इसे स्पर्श कराएं या छुआ दें, जिसे भी आप मानते हैं, और उसे धारण कर लें। तो ये धारण करने का तरीका है। गुरु का रत्न है पुखराज। जी हाँ दोस्तों, गुरु का रत्न होता है पुखराज, आपको कई तरह से लाभ पहुंचा सकता है। इस रत्न को 5, 6, 9 या 11 रत्ती में धारण करना चाहिए, बहुत लाभकारी होता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, या तो 5 रत्ती का हो, या 6 रत्ती का हो, या फिर 9 रत्ती का हो, या फिर 11 रत्ती का, इसे धारण करने से आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। पुखराज को सोने की धातु में जड़वाकर तर्जनी उंगली में, जी हाँ दोस्तों, तर्जनी उंगली में गुरु पुष्प योग में शाम के समय धारण करना है। जी हाँ दोस्तों, गुरु पुष्य योग में शाम के समय धारण करना है, तर्जनी उंगली में पहनना है, सोने में जड़ा हुआ होना चाहिए, 5, 6, 9 या 11 रत्ती का होना चाहिए। धारण करने के लिए आप इसे जो है स्वच्छ पानी में धो लें, साफ पानी में अच्छे से धो लें। धोने के बाद जो है इसे आप चाहे तो थोड़ा अगर ऐसा अगरबत्ती दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं, अन्यथा आप सीधा अपने इष्ट देवता जिसे आप मानते हैं उसे टच करके पहन लें, निश्चित लाभ होगा। शुक्र का रत्न है हीरा। जी हाँ दोस्तों, हीरा, शुक्र का रत्न हीरा कम से कम 2 कैरेट का होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 2 कैरेट से कम नहीं होना चाहिए, 2 कैरेट का होना चाहिए। हीरे को मृगशिरा नक्षत्र में 20 की उंगली में धारण करना चाहिए। 20 की उंगली में हीरे को आपको पहनना है, और 2 कैरेट का होना चाहिए। तो आपको ये आप इसे धारण कर सकते हैं, और धारण करने का वही आसान तरीका है, स्वच्छ पानी में आप इसे धो लें, और धोने के बाद इसे जो अपने इष्ट देवताओं को स्पर्श करा दें, जिसे भी आप मानते हैं, जिसकी भी जिसको भी आप सम्मान देते हैं, जिस उसको आप स्पर्श करा के आप पहन लीजिए। तो इस तरह से जो है आप हीरा जो है, शनि, शनि का रत्न है नीलम। नीलम जो है वो शनि जिनका शनि के लिए पहना जाता है, तो आपकी किस्मत बदल सकता है दोस्तों। नीलम को ध्यान से इस्तेमाल करें। नीलम जो है वो 3, 6, 9 या 10 रत्ती का पहनना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, या तो 3 रत्ती का हो, या 6 रत्ती का हो, या 7 रत्ती का हो, या फिर 10 रत्ती का हो, तो आप नीलम रत्न को शनिवार को श्रवण नक्षत्र में पंच धातु की अंगूठी में मध्य उंगली में धारण करना। यहाँ दोस्तों, पंच धातु की अंगूठी होनी चाहिए, और मध्य उंगली में धारण करना है इसको। तो जो है शनिवार को श्रवण नक्षत्र में धारण करना है। वैसे तो नीलम बहुत खतरनाक होता है दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं कि नीलम लाए तो पहले तकिया के नीचे रख लें, रात भर कैसे सपना आता है उसे आपको पता चल जाएगा। ध्यान रहे, आसपास में अपने घर वालों को ज़रूर बताएं कि आपने सर के नीचे नीलम रखा है। अगर कोई ऐसी आकाश में घटना होती तो घर वाले तुरंत आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे।
या फिर दिन के समय भी आप इसे वो कर सकते हैं, लेकिन दिन के समय आप कहीं जा रहे हैं अचानक से इसका दुष्प्रभाव पड़ा, कोई बड़ा एक्सीडेंट हादसा हो सकता है, इसलिए कोशिश करें कि रात को जो है तकिए के नीचे रखें और रिश्तेदार को बता दें, जो भी है माँ बहन भाई पत्नी बच्चे उनको। तो ये है आपको मध्य अंगूठी में पहनना है, मध्य उंगली में पहनना है, पंचधातु का होना चाहिए। राहु का रत्न है गोमेद, राहु का रत्न गोमेद कम से कम 6 रत्न का अवश्य होना चाहिए। गोमेद को उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में बुधवार या शनिवार के दिन मध्यम उंगली में धारण करना सबसे उत्तम रहेगा। तो मध्यम उंगली में इसे धारण करें, धारण करने के लिए आपको जो है अच्छे से इसे धो लें, और धोने के बाद जब जो है नहाने के बाद जो है आप इसे धो लीजिए अच्छे से, और फिर इसे अपने इष्ट देवता को टच कर दीजिए, जो जिसे भी आप मानते हैं उसे टच कीजिए और पहन लीजिए, और कुछ करना नहीं है, साफ पानी से आपको धोना भरे। दोस्तों केतु का रत्न है लहसुनिया, यहाँ दोस्तों केतु का रत्न लहसुनिया पंचधातु में पहना जाता है। लहसुनिया को गुरुवार के दिन गुरु पुष्प योग में धारण करना शुभ रहता है। इस रत्न को मध्यम उंगली में धारण करना चाहिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, केतु का जो है रत्न है लहसुनिया पंचधातु में पहनना चाहिए। लहसुनिया को गुरुवार के दिन गुरु पुष्प योग में धारण करना शुभ रहता है। इस रत्न को मध्यम उंगली में धारण करना है। तो जो आप अंगूठी को जो है अच्छे से पानी में धो लें, जब आप जो है ज्वेलरी के पास से अंगूठी लाते हैं तो इसको पहले पानी में अच्छे से धो लें, और धोने के बाद जो है जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसको पुष्य योग में धारण करना है, गुरुवार के दिन गुरु पुष्प योग में धारण करना है। तो इसको अपने इष्ट देवता को आप स्पर्श कराएं, उन्हें छुआएं और उसके बाद धारण कर लें, जिसे भी आप मानते हैं कि जिससे आप मानते हैं आप उसी को जो है आप इसे टच करा दें और पहन लें। तो दोस्तों इस तरह से आप कौन से रत्न को कौन सी उंगली में पहनना है, किस तरह से पहनना है, इस बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। तो आप इस जानकारी को कुल मिला के एक बात मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, जितने भी जो है महंगे जो भी जो पत्थर हैं वो सब जो है सोने में जड़े हुए हैं, और जो सस्ते पत्थर है वो चांदी में जो है जड़े हुए हैं। ये मोटा मोटा रूप है, हालांकि मैंने हर किसी की डिटेल आपको बताई है इस वीडियो के अंदर में, तो उसको ध्यान से सुन के आप इसी तरह से अपने जो है पत्थर को धारण करें। बहुत ही आसान तरीका है, कोई भी पत्थर आप धारण करें उसका एक ही मूल मंत्र होता है कि आप जब ज्वेलरी के पास से लाएँ तो उसे ना तो दूध में भिगोएं, ना किसी में कोई कुछ बोलता है भैया दूध में भिगो देना इसमें, जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल दूध किसी भी चीज़ में, चाहे आपको उसको नहीं भिगोना है, चाहे वो घी हो चाहे कुछ भी हो। क्यों? उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ, पत्थर में जो भी ताकत होती है वो जो है पत्थर के अंदर होती है। अब जैसे आपने दूध में भिगा दिया तो दूध उसको दूध अवशोषित कर लेगा, तो उसमें जो है ऊपर से दूध की परत आ जाएगी और जो पत्थर काम नहीं करेगा, फिर आपको लगेगा पत्थर ख़राब है, ऐसा नहीं है दोस्तों, पत्थर तो बिल्कुल सही रहता है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि स्वच्छ साफ पानी से धोएं, बिल्कुल जो है आप नहा वहा के फ्रेश फ्रेश होकर बिल्कुल साफ पानी से धोएं, और जैसे जैसे मैंने आपको बताया ठीक है आप उसी तरह से आप जो है इसका जो है पहने, आपको निश्चित लाभ होगा। अच्छे योग्य पंडित से पूछ के ही, ज्योतिषी से पूछ के ही, कुंडली के माध्यम जैसा भी आप चाहते हैं वैसे पता करके आप जो है इस पत्थर को धारण कीजिए जैसे मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मैंने जो जानकारी दी है वो ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।